क्या आप भी मल्टीपल सोशल मीडिया चैनल्स पेजेस यूज करते हो, प्लेटफॉर्म्स यूज करते हो? तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि हमने किसी सोशल मीडिया पेज पर या चैनल पर पोस्ट तो कर दिया है, बट दूसरे पे करना भूल गए हैं और वो समय रहते हम नहीं कर पाए? तो ये अक्सर बहुत से लोगों के साथ होता है दोस्तों, और मेरे साथ भी ये चीज कई बार हुई है, क्योंकि सोशल मीडिया पेजेस हमारे इतने ज्यादा है कि हर एक पे पोस्ट करते बैठना भी बहुत ज्यादा मेहनत का काम हो जाता है दोस्तों। तो मैं ये काम के लिए आज आपके लिए एक सोल्यूशन लेकर के आया हूं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम श्रीनिवास बाठिया है और आप देख रहे हो पांड्या ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। और आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग एक इंडियन मेड फ्री का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मैनेजर है और उसका यूज करते हुए हम हमारे सारे के सारे सोशल मीडिया पोस्ट एक साथ ही एक बार में ही किस तरीके से कर सकते हैं, सो दैट हम एक बार में शेड्यूल कर देंगे और बाद में हम हमेशा रिलैक्स रहेंगे। तो चलिए फिर बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्राउड फायर ये नाम का हम लोग सोशल मीडिया मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म यूज करने वाले हैं, जो कि आप ऑनलाइन यूज कर सकते हो। और ये लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है वेबसाइट की। अब चलिए यहाँ पर पहले सबसे पहले फीचर्स देखते हैं, ये क्या क्या अवेलेबल करते हैं। अब फ्री में हमारे लिए काफी सारे कम फीचर्स अवेलेबल है, बट अगर आप पेड वर्जन में जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, बट जनरली मेरे लिए फ्री वर्जन ही सफिशियंट है। तो इसमें आप डिस्कवर कर सकते हो रेलेवेंट कंटेंट बेस्ड ऑन योर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ही आपको आपके टॉपिक के हिसाब से रेलेवेंट कंटेंट कंटिन्यूअसली आप ढूंढ सकते हो और उसको पब्लिश कर सकते हो अपने ब्लॉग पे या साइट पे। तो इससे क्या होगा कि आपको बाय डिफॉल्ट आपका कंटेंट शेयरिंग बहुत आसान हो जाता है इस प्लेटफॉर्म के मदद से। प्री शेड्यूल ऑल ऑफ योर कंटेंट, अब बेसिक में हमें ये काम करना है प्री शेड्यूल, और ये फ्री वर्जन में हमें अवेलेबल होता है, ठीक है। उसके बाद गेट टेलर्ड पोस्ट फॉर एवरी सोशल मीडिया पेज, तो ये सब ठीक है। इसके 19 मिलियन प्लस यूजर्स है और ये काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है दोस्तों। तो चलिए अब हम यहाँ पर गेट स्टार्टेड के पहले प्राइसिंग देख लेते हैं। प्राइसिंग में आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसमें हमारे फ्री वर्जन में हमें क्या क्या मिलेगा, मैं सबसे पहले ये क्लियर कर देता हूं। तो फ्री वर्जन में देखिए यहां पर आपको सिर्फ 3 अकाउंट्स लिंक करने का चांस मिलता है, और 3 अकाउंट्स आपके हो सकते हैं ट्विटर से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से या लिंक्डइन से। अब जनरली लिंक्डइन पे हम इतने फ्रिक्वेंटली अपलोड नहीं करते, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे ही सबसे ज्यादा अपलोड करते हैं। तो फ्री वाला वर्जन हमारे लिए सफिशियंट है। एंड शेड्यूलिंग एंड पब्लिशिंग में देखिए यहां पर शेड्यूल्ड पोस्ट पर अकाउंट, तो 10 पोस्ट आप पर अकाउंट शेड्यूल कर सकते हो, तो ये भी काफी अच्छा फीचर है। और इसका क्रोम एक्सटेंशन भी आपको मिल सकता है आर्टिकल शेयरिंग के लिए, जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। बट ये फीचर हम आज के सेशन में ज्यादा हाईलाइट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें देखना है कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट हैंडलिंग के लिए शेड्यूलिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं बैकएंड में। उसके बाद आर्टिकल क्यूरेशन अनलिमिटेड आप कर सकते हो, इमेज क्यूरेशन अनलिमिटेड कर सकते हो, क्यूरेट कंटेंट फ्रॉम योर ओन ब्लॉग यूट्यूब वीडियो, तो ये देखिए आप किसी भी तरीके से क्यूरेट कर सकते हो। यहाँ पर हैशटैग रिकमेंडेशंस आपको मिलते हैं। हैशटैग रिकमेंडेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं दोस्तों, जब हम फेसबुक, ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम की बात करते हैं तब। या बेसिकली ये मेटा डाटा क्रिएट होता है सो दैट हमारा जो कंटेंट है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ऑटो टेलर्ड पोस्ट फॉर ईच प्लेटफॉर्म भी हमें मिलता है विथ प्रीव्यू बिफोर पोस्टिंग। एनालिटिक्स आपको सिर्फ एक दिन का ही डेटा मिलता है, और एडवांस एनालिटिक्स भी आपको एक दिन का ही डेटा मिलता है। और मेरे हिसाब से अगर आपको ज्यादा डिटेल्ड एनालिटिक्स देखने हैं तो आप अपने इंडिविजुअल सोशल मीडिया अकाउंट पर जाकर के भी ये आराम से चेक कर सकते हो, तो यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो चलिए अब मैं साइन अप फॉर फ्री पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए वो अलग अलग जगह से हम लोग साइन अप कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक से कर सकते हैं, ट्विटर से कर सकते हैं या फिर ईमेल से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए रजिस्टर हियर पे मुझे क्लिक करना पड़ेगा, रजिस्टर हियर पे मैंने क्लिक किया। उसके बाद देखिए मैं फेसबुक से साइन अप कर सकता हूँ या फिर ट्विटर से साइन अप कर सकता हूँ या फिर ईमेल से साइन अप कर सकता हूँ। चलिए अब मुझे फेसबुक से साइन अप करना है, क्योंकि फेसबुक से ही डायरेक्टली मेरा लिंक्डइन भी यहाँ पर लिंक हो जाएगा। तो चलिए साइन अप विद फेसबुक करता हूँ यहाँ पर क्लिक। अब वो रिडायरेक्ट कर रहा है, देखिए लॉग इन विद फेसबुक। अब फेसबुक मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है इसलिए वो पासवर्ड नहीं पूछ रहा है। चूज व्हाट यू अलाउ पे यहाँ पर क्लिक करना है। चूज वॉट यू अलाउ पे क्लिक करने के बाद देखिए इंस्टाग्राम अकाउंट बाठिया ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी का ये अलाउ करने वाला है। मैनेज कंटेंट भी वो इंस्टाग्राम अकाउंट का हो सकता है। एक्सेस इनसाइट्स भी होने वाली है इंस्टाग्राम की।
उसके बाद पेज कन्वर्जेशन इन मैसेंजर हमें करना है क्या? तो करना हो तो इसको टिक रखना है, और अगर नहीं चाहिए तो इसको आप क्लोज भी कर सकते हो। मुझे सिर्फ भाटिया ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी इस पेज का ही मैसेंजर एक्सेस चाहिए। एक्सेस योर पेज एंड ऐप इनसाइट्स ओके ऑन करते हैं। पोस्ट कंटेंट इन टू ग्रुप्स ऑन योर बिहाफ। रीड कंटेंट पोस्टेड ऑन द पेज। तो कंटेंट जो पेज पे लिखा हुआ है वो हमें रीड करना है, तो हाँ जी करना है। मैनेज अकाउंट सेटिंग्स एंड वेब हुक्स फॉर अ पेज, तो हाँ ये भी कर सकते हैं। उसके बाद रीड यूजर कंटेंट ऑन द पेज, तो ये भी सिर्फ मैं मेरे ही पेज के लिए करता हूँ। क्रिएट एंड मैनेज एड्स, तो हाँ जी मुझे ये भी चाहिए। फाइनली मैनेज कंटेंट ऑन द पेज, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें आपको जिस पेज का टिक करना है उसी पेज का टिक करना है आपने। मैनेज कमेंट्स, तो हाँ जी मैनेज भी करना है कमेंट्स को, यहां पर मैंने कर देना है ओके। तो यहां पर देखिए दोस्तों, हमने साइन इन कर लिया है। साइन इन करने के बाद ये ऐप ओपन हो रहा है, और ये अलाउ करने का है या नहीं करने का है ये आपका डिसीजन है इसके नोटिफिकेशंस को। तो मैं अभी के लिए इसको अलाउ कर देता हूं। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये ऐड बता रहा है कि इनका जो पेड वर्जन है वो उस पर आपको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं। तो ये मुझे नहीं चाहिए अभी, तो मैं क्लोज करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप, मेरा फेसबुक अकाउंट यहाँ पर लिंक्ड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नोटिफिकेशंस आपको मिल रहे हैं अलग अलग टाइप के। कंपोज आप यहां पर कर सकते हो, शेड्यूल्स आप यहां पर चेक कर सकते हो, एनालिटिक्स आपको यहां पर दिखेंगे, अकाउंट्स पे आप भी क्लिक करना है हमने। अब देखिए यहां पर अकाउंट्स पे क्लिक करने के बाद आपको नजर आ रहा होगा कि मेरा जो पर्सनल फेसबुक पेज है वो यहां पर कनेक्टेड है, क्योंकि मैंने फेसबुक से लॉग इन किया था। अब मुझे यहां पर इंस्टाग्राम को ऑन करना है, मान लीजिए, तो मैं इसको ऑन करता हूं। कनेक्ट योर अकाउंट पे क्लिक करना है, उसके बाद वो रिडायरेक्ट करेगा परमिशंस के लिए। तो देखिए मैंने कंटिन्यू कर दिया, उसको ऑथराइज कर दिया। तो यहां पर देखिए कंटिन्यू विद फेसबुक बता रहा है वो, तो मैं कंटिन्यू कर देता हूं इसको। देखिए यहां पर लिख करके आ रहा है या अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली एडेड, ठीक है। अब मुझे मेरा ट्विटर अकाउंट भी यहां पर ऐड करना है, तो ट्विटर को मैंने ओके करा। उसके बाद कनेक्ट योर अकाउंट वापस से, और सिमिलर प्रोसेस से उसको ऑथेंटिकेट करना है मुझे बस। देखिए दोस्तों, ट्विटर भी मेरा यहाँ पर ऑथेंटिकेट मैंने कर दिया है, अकाउंट मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए बांटिया ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी का मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट एडेड है, उसके बाद बांटिया ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी का ट्विटर अकाउंट भी यहाँ पर एडेड है, और यहाँ पर फेसबुक का भी अकाउंट एडेड है। अब यहाँ पर देखिए एक कॉगविल दिया है आपको सेटिंग्स के लिए, मतलब और मल्टीपल अकाउंट्स आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। देखिए दोस्तों, उसने इमिडिएटली हमें एक अलग जगह पर रिडायरेक्ट किया है, और ये पेज हमें यहां पर कनेक्ट करना है। तो बांटिया ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी फेसबुक पेज हमें कनेक्ट करना है, तो मैंने कर दिया कनेक्ट, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर देखिए बांटिया ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी कनेक्टेड है, और यहां पर मेरा पर्सनल भी कनेक्टेड है। मैं इसको अभी कर देता हूं डिलीट। डिलीट यहां से आप इस तरीके से कर सकते हो या रिफ्रेश भी कर सकते हो। मुझे डिलीट इसलिए करना है क्योंकि मुझे मेरे सिर्फ ऑथराइज्ड जो फेसबुक पेज है या फिर इंस्टाग्राम पेज है बांटिया ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी का, उसे ही मैनेज करना है इसके थ्रू। तो मैं डिलीट अकाउंट करता हूं और यहां पर डिलीट कर देता हूं। तो यहां पर देखिए बांटिया ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी ये पेज यहां पर आ गया है। चलिए अब मैं जाता हूं आपके से अकाउंट्स में। तो यहां पर आप अकाउंट्स में चेक कर सकते हो बांटिया ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी का ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज यहां पर 100% हमने लिंक कर लिया है। अगर आपकी कोई वेबसाइट्स है या ब्लॉग है, या फिर आपको यूट्यूब को भी आपको लिंक करना है यहां पर, तो आप कर सकते हो। अभी के लिए मुझे नहीं करना है कुछ भी। अब चलिए शेड्यूलिंग पे चलते हैं। अभी हमारा कोई भी शेड्यूल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो अब चलिए मैं यहाँ पर पोस्ट करता हूँ कंपोज पे। कंपोज पे जाने के बाद मान लीजिए मुझे एक इमेज चाहिए, 2 अक्टूबर को वो प्लेस होनी है, ठीक है। गांधी जयंती को मुझे ये इमेज प्लेस करनी है, और मैं यहाँ पर थोड़ा सा टेक्स्ट भी लिख देता हूँ, एफपी गांधी जयंती। उसके बाद मैं ऐड हैशटैग्स पे जाता हूँ, गांधी जयंती 2020। देख लीजिए दोस्तों, मुझे ये इतने ही टैग्स यहाँ पर चाहिए, इसलिए मैंने टैग्स रखे हैं। अगर आपको लोकेशन ऐड करना है तो आप लोकेशन भी ऐड कर सकते हो, जीआईएफ ऐड करनी है तो जीआईएफ भी ऐड कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर ऊपर में प्लस दिया हुआ है, तो अब जैसा ही मैं ये प्लस करूंगा वैसे ही देखिए मुझे कहाँ कहाँ पर ये पोस्ट करना है, तो यहाँ पर ये सारे के सारे मुझे बता देगा। अब मैंने कर दिया तीनों को डन, मतलब अब ये मेरे इंस्टा पे भी जाएगा, ट्विटर पे भी जाएगा और फेसबुक पर भी जाएगा। अब इसको पोस्ट कब करना है, तो यहाँ पर पोस्ट नाउ कर सकते हो, पोस्ट एट कस्टम टाइम कर सकते हो, या पोस्ट एट बेस्ट टाइम व्हेन योर ऑडियंस इज मोस्ट एक्टिव।
तो अगर कोई रैंडम पोस्ट होता तो जनरली मैं ये सेलेक्ट करता पोस्ट एट बेस्ट टाइम, बट अभी के लिए मुझे गांधी जयंती का करना है, तो वो 2 अक्टूबर के पहले, जिसके लिए अभी काफी दिन बाकी है, वो मुझे करना है। तो अब देखिए 2 अक्टूबर जो फ्राइडे है, फ्राइडे को देखिए मुझे ये पोस्ट करना है, मान लीजिए सुबह में 9 AM, ठीक है। मैं यहां पर करता हूं डन और यहां पर मैं शेड्यूल पे क्लिक कर देता हूं। तो इस तरीके से आप आपकी एक ही प्लेटफॉर्म से सोशल मीडिया पेजेस पर पोस्ट कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमारी पहली पोस्ट यहां पर आ गई है जो पब्लिश होनी है 2 अक्टूबर 2020 को सुबह 9 बजे। इस तरीके से आप देख सकते हो हैप्पी गांधी जयंती और बाकी हैशटैग्स भी हमने जो यहां पर डाल रखे हैं वो भी नजर आ रहे हैं, और इमेज यहां पर लोड हो रही है, इंटरनेट स्लो होने की वजह से थोड़ा समय लगेगा। तो इस तरीके से आप आपकी पोस्ट यहां पर शेड्यूल कर सकते हो बड़े ही आराम से, और एक दिन में ज्यादा सिर्फ 2 पोस्ट रख सकते हो दोस्तों। तो ये काफी अच्छा ऐप है, ऑनलाइन ही मिलता है आपको, तो आप ये आपके सोशल मीडिया पेजेस को मैनेज करने के लिए यूज कर सकते हो। और एक चीज इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ही करने हैं सारे के सारे पोस्ट, तो आपको इन तरीके के थर्ड पार्टी सोशल मीडिया मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स यूज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप बाय डिफॉल्ट आपके इनबिल्ट ही फेसबुक में पब्लिशिंग टूल्स में आपको स्टूडियो मिलता है, क्रिएटर स्टूडियो फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए अवेलेबल है, वहीं पर आप शेड्यूल कर सकते हो और उसके वजह से आपको कोई दिक्कत भी नहीं होने वाली कभी भी। तो अगर आप चाहते हो कि मैं उसके ऊपर एक डिटेल ट्यूटोरियल बनाऊं कि हमने किस तरीके से फेसबुक का क्रिएटर स्टूडियो और इंस्टाग्राम का क्रिएटर स्टूडियो यूज करना है हमारी शेड्यूलिंग के लिए, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, इसे आपके लिए लेकर आऊंगा। और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा जरूर। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, सो दैट इस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक हमेशा पहुंच जाया करेगी। थैंक यू।